नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुटी हैं। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM ने भी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और इनमें से 8 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। इन 8 में से 7 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी है। इसकी घोषणा खुद AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने की। एक जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर सीट से बी रवि यादव AIMIM के उम्मीदवार होंगे। 22 साल से पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और पहले पार्षद भी रह चुके हैं। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि अब लोग ये कहेंगे कि ये क्या चाल इन्होंने चल दी है। चाल चलना हमको भी आता है, हम भी सियासत सीखे हुए हैं। कोविड में आपने लूडो खूब खेला होगा, कैरम भी खेला होगा। कैरम में आखिरी में क्वीन को लास्ट में बिठा देते हैं और सियासत भी वैसे ही खेलनी है। मेरे ऐलान करने के बाद उनमें यानी विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ जाएगी। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और यहां पर सत्तारूढ़ जो BRS पार्टी है उसका मुकाबला कांग्रेस और BJP से है। राजेंद्र नगर की सीट पर इस बार टक्कर काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि यहां से CM के चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS ने मौजूदा विधायक टी प्रकाश गौड़ को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से के नरेंद्र मैदान में हैं और BJP के कैंडिडेट टी श्रीनिवास रेड्डी हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रयान गुट्टा की सीट से ही चुनावी मैदान में इस बार भी उतारा गया है। और 2018 में जब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे तब उस दौरान AIMIM ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 7 ने जीत दर्ज की थी और इस बार 1 एक्स्ट्रा सीट पर उम्मीदवार पार्टी ने खड़ा किया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साध कर ओवैसी किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।